अब ये देखिए यहाँ पे कुछ और भी मिला मेरे को, ये देखिए ये भाई साहब, किस एंगल से हम कह सकते हैं कि हमारे ऐतिहासिक दंत कथाओं में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है, ये मंदिर है, ये निर्माण है, ये तालाब है, ये तो दंत कथाएं नहीं है ना, ये सार्थक है, ये आगे पड़े दिख रहा है हमको। अब हम इसको नहीं समझो पा रहे हैं, सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे इन लोगों की हो, किसी भी की सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, ये अपने जो हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है, उसने नहीं बचा पा रही है। और ये हमारे लिए सबसे निहायक की शर्मनाक बात है जो हम अपने इतिहास को नहीं बचा पा रहे हैं। अगर हमारा इतिहास ही हमारा भविष्य फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर हम अपने इतिहास को नहीं संजोकर रख पाओगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बता पाएंगे। तो आज हमें उसी पीढ़ी में, उसी कड़ी में कि अपने इतिहास को आगे आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा सके, किस तरह से हमें उसमें आगे एक कदम बढ़ा सके। तो ये दिखाते रहे राणा भाई साथ में साथ, ये है रानी का तालाब और बहुत ही भव्य और सुंदर तालाब हुआ करता था ये। आज बहुत एक ऐसा लग रहा है जैसे कि पुराना खंडर टाइप में, पानी भी हरा मटमैला गंदा सा है, यानी कि एक सबका सब कारण हो रहा है देखरेख का अभाव, जबकि एक जीत का एक बहुत ही बढ़िया दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल ये बन सकता है अगर सरकार चाहे तो। ये फिलहाल गवर्नमेंट के अंडर में है, यानी कि सेना के अंडर में है, और 2009 के बाद बताया जा रहा है जहां तक हमें सुनने को मिला है ये सेना के अंडर में आया है, लेकिन इसका कोई भी जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, कहीं भी आप देख लीजिए नहीं तो। यहाँ पे अगर इसको तालाब को भर के अच्छे तरह से नौका विहार चले, साथ में पर्यटन भी बढ़े, साथ में यहाँ पे के लोगों का रोजगार भी बढ़े, तो अगर उस दिशा में अगर लोग सोच कर चले तो क्या इसे क्या नहीं हो सकता। लेकिन सोचा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सोचा जा रहा है? क्योंकि सिर्फ जितने भी सरकारें आती हैं, वो चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर इन्हें लोग, कोई भी सरकार रही हो, सबको अपनी जेबों के भरने की लगी रही, लेकिन हमारे इतिहास को, जो हमारा पुरातन जो ज्ञान है, उसको कभी आगे नहीं दिखाया गया है। अब इसके निर्माण का एक मैं दूसरा उद्देश्य, दूसरा पहलू जो दंत कथाओं में शामिल है वो मैं आपको उजागर कर देता हूं। दूसरा जो इसका एक पहलू है वो है कि कहने में यह आज आता है कि इसका निर्माण महाराजा रघुवीर सिंह ने करवाया, जो कि जींद रियासत के उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। अब ये यहां से शायद दोपहर का टाइम है तो गेट बंद है, देखते कोशिश करते हैं गेट खुल रहा है या नहीं है, उसी हिसाब से हम आगे देखेंगे। नहीं, ये यहाँ पे गेट बंद है क्योंकि दोपहर का टाइम है, शायद शाम को या सुबह खुलता हो। तो चलिए कोई बात, दिव्य से हम दर्शन कराते हैं। तो उस टाइम बताया जा रहा है कि महाराजा रघुवीर सिंह ने इसका निर्माण, तालाब का निर्माण इसलिए करवाया कि रानी, जो रघुवीर सिंह की जो महारानी थी उस टाइम पे, रानी यहां से किले तक सुरंग के द्वारा जाती थी, आती थी, नहाती थी, और वो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये जो बिल्कुल तालाब के बीचों बीच, देखिए कितना भव्य और कितना सुंदर नजारा है। लेकिन इस सुंदर नजारे को हम सुंदर नहीं बना के रख सक रहे, हम अपने इतिहास को नहीं बचा पा रहे भाई साहब। इस बात को हमने कबूल करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, हम अपने इतिहास को नहीं बचा पा रहे हैं, और जब तक हम अपना इतिहास नहीं बचाएंगे तो वर्तमान को कैसे जिएंगे, और जब तक वर्तमान नहीं जिएंगे तो भविष्य कैसे बनेगा। कितना सुंदर और भव्य नजारा है, जूम करके दिखाए, तालाब के बीचों बीच बहुत ही सुंदर मंदिर है भूतेश्वर का, जितना सुंदर मंदिर, और इसका ये हाल है, पानी नहीं है, मटमैला है, ये देखरेख की कमी है, सब ये देखरेख की कमी बताई जा रही है। अब कमी बताई क्या जा रही है, ये तो नजर आ रही है, किसी भी सरकार ने, किसी ने भी इसकी देखरेख नहीं की है कि हमारा अगर इतिहास से जुड़े हुए, अगर चाहे सरकार, एक छोटी सी सोचने की बात है, अगर सरकार चाहे तो इसका सौंदर्यकरण करके पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, आसपास में जितने भी रेडी पटड़ी वाले हैं, ये मजदूर हैं, रोजगार बढ़ सकता है, पर उस चीज की तरफ किसी का ध्यान, किसी का ख्याल नहीं जाता कि हम इस बारे में भी कुछ सोचे। हम इसी कड़ी में ही आगे चलते रहेंगे, अभी और भी बातें हैं जो बताने लायक हैं। तो वो सुरंगें जो किले से सीधी तालाब पाती थी, और तालाब पे स्नान करने के बाद में भूतेश्वर महाराज, जो शंकर भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ पे वो पूजा करती थी, और इसी सुरंग के द्वारा फिर वापस अपने किले में चली जाया करती। चलिए ठीक है, देखिए दंत कथाओं में हम इधर से उधर हो सकते हैं, दंत कथाओं में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है, ये मंदिर है, ये निर्माण है, ये तालाब है, ये तो दंत कथाएं नहीं है ना, ये सार्थक है, ये आगे पड़े दिख रहा है हमको। अब हम इसको नहीं समझो पा रहे हैं। मेन चीज मैं वही बताने के लिए यहाँ पर रुका हूं कि इतना सुंदर और भव्य तालाब आज इस अवस्था में है जैसे कि यहाँ पर कोई इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक हमारे इतिहास की धरोहर है, उसको हम नहीं बचा पा रहे हैं। अगर हम इसको बचा पाते,
इसके बारे में सोच पाते, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सीखती। अब आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी, एक गड़ा सड़ा तालाब है, एक जोड़ जैसे भाई, जिसमें मेरे जोबड़ भाई है उन्होंने बेरा होगा, एक तालाब होता है जिसमें पोड़ दाब दिया करते सनी के पटसन के, ये पोड़ दाबिया करते, उनमें कितना काला पानी कीचड़ वगैरह होया करता। ये भाई के चाहे सरकार अगर भाई आगे जाकर आने वाली पीढ़ी इसने के सिर्फ उसे तालाब के रूप में याद कर रहा है भाई, वो निरा पोड़दापन का तालाब है जबकि इतना सुंदर और भव्य है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप लोग कि नीचे से पायो ये जो पगडंडी बनाई गई है मंदिर तक जाने के लिए तालाब के बीचों बीच, नीचे से क्रॉसिंग का रास्ता है, नीचे से नौका विहार इधर से उधर हो सकती है, लेकिन इस बारे में किसी का कोई ख्याल नहीं गया आज तक, ना किसी ने सोचा कि हम इसके बारे में आगे कुछ दिखावा, कुछ इसके बारे में सोचा, कुछ करा। हमारा मेरे उद्देश्य यह है कि आप लोगों तक ये पहुंचाना कि हम अपनी धरोहर को नहीं रख पा रहे हैं भाई साहब, समझोगे, हम अपनी धरोहर को नहीं बचा पा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ और भी मिला मेरे को, ये देखिए ये दिखाइए भाई, ये है ये भाई साहब, किस एंगल से हम कह सकते हैं कि हमारा ऐतिहासिक, और जो ऐसे काम करते हैं ना, जो ऐसी धार्मिक स्थलों पर और जो ऐसी जगहों पर ऐसे काम करते हैं उनको हम क्या कहें, वो हमारा भविष्य है, वो तो हमारे भविष्य भी नहीं, हमारा वर्तमान ही नहीं है, भविष्य तो तब होंगे। इतनी सुंदर नौकाएं खड़ी हैं, नौका विहार करने का भी मजा होता है, एक आनंद होता है, लेकिन वो आनंद वो मजा वो रुचि तभी होती है जब वहां का वातावरण माहौल एक अच्छा हो। तो कृपया मेरी सरकार से निवेदन है कि जो हमारा इतिहास है उनको ऐसे मटमैला मत करो, उसी इतिहास को समझो, उसी इतिहास को बचाओ, उसी इतिहास को जीर्णोद्धार करके आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपो, फिर आगे हमारे आने वाली पीढ़ी भी ये ज्ञान ले कि हमारे पूर्वजों ने जब हमको इतना सुंदर इतिहास सौंपा है, इतना सुंदर इतिहास हमको भेंट दिया है, तो हम भी आगे जाकर उस अपने इतिहास को बचाए रखें, बनाए रखें। ये देखिए ये नौका विहार के लिए नौकाएं खड़ी हैं, लेकिन ये नौकाएं किस काम की हैं, ये पानी देख लीजिए यहाँ पे, आइए भाई आइए एक बार, ये पानी पानी का हाल देखिए, ये गंदगी देखिए, ये गंदगी हमें एहसास दिलाती है कि हम कभी भी अपने भूत को, अपनी इतिहास को, अपनी जो विरासत है उसको हम नहीं बचा पा रहे हैं, और अगर नहीं बचा पा रहे सरकार के अंडर में ही है, अब सरकार नहीं बचा पा रही है तो आम आदमी भी क्या करे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे के लिए अगली कड़ी के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे, दिनेश गलाव के साथ, जय हिंद।